ये हुई ना बात, क्या वो गायब हो गई? वाओ ये मरमेट है। हेलो स्वीटी। ग्लास कहाँ गया? ओ वाओ तुमने ये कैसे किया? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या? मैं चीजें देख रही थी। हो सकता है शायद तुमने ही। तुम्हारे माँ बाप कहाँ है बच्चे? मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अनाथालय से आई हूँ। तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, तुम्हें जरूर एक प्यारी सी माँ चाहिए। हाँ बहुत ज्यादा, प्लीज मेरी माँ बन जाओ। मैं माँ बनने के लिए अभी बहुत छोटी हूँ। लेकिन तुम बहुत दुखी हो, ठीक है मैं तुम्हें अपना लूंगी। नहीं दूंगी। और मरमेड ने मुझे गोद ले लिया। यहाँ जाओ, अब हम घर जा रहे हैं। चलो भी ऐसा मत करो, वो उसका खिलौना है। ओ वाव, ये बहुत शानदार है। और तुम सच में मरमेड हो? हाँ लेकिन ये सीक्रेट है। मैं नहीं मानती, मुझे दिखाओ। वाव, अब तुम्हें यकीन हुआ? हाँ हो गया। वाव इतने सारे खिलौने। गड़बड़ मत करो, बिगाड़ो मत। ग्वेन सुनो, ग्वेन इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। जाओ। तुम पागल हो गई हो क्या? ये देखो। ग्वेन तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या मतलब है, मैं तो दिखा रही हूँ कि मैं कैसे लटक सकती हूँ। अच्छा है। वाओ वाओ तुम कमाल हो माँ। चलो अब नीचे आ जाओ, खाने का टाइम हो गया है। मैं नहीं चाहती। ये माँ बनना नहीं, कठिन है। मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्या मुसीबत है। ये कितना बकवास है। ये जान बचाने के लिए भी खाना नहीं बना सकते हैं। हमें कुछ करना होगा, शहर मरमेट से भर रहा है। हाँ और अब कोई गॉर्गन भी तो नहीं रहा। माफ करना, क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? हो क्या रहा है? एकदम चुप रहो, दिखता नहीं है कि हम लोग बिजी हैं यहाँ पर। हमें अब कुछ और गॉर्गन की जरूरत है, वरना ये मरमेट शहर में कब्जा कर लेंगी। हाँ लेकिन ढूंढेंगे कहाँ? हमें क्रेजी घर की सारी न्यूज पता करनी होगी, क्या पता कुछ पता चल जाए। हाँ चलो ढूंढना शुरू करते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ के ड्रेस कोड के हिसाब से सनग्लासेस अलाउड नहीं है। तुम कितने बकवास हो, हम बात कर रहे हैं, ये लो। तुम इसी लायक हो, अब गॉर्गन से उलझना भी मत तुम। और अब चलो कुछ जानकारी ढूंढते हैं। नाचना बंद करो, चुपचाप बैठो और खाओ। नहीं बिल्कुल नहीं। दिमाग खराब कर रही हो, तुम इतनी शरारती क्यों हो? बैठो यहाँ, बैठो, खाओगी नहीं तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगी? छी, ये सूप बुरा है, ये सूप बकवास है। देखो मैंने क्या किया माँ। तुमने ये कैसे किया? तुमने सूप को पत्थर में बदल दिया, आखिर कैसे? बताओ मुझे, तुमने पहले भी ऐसा किया है? हाँ जब मैं गुस्सा होती हूँ तो हर चीज को पत्थर बना देती हूँ, कमाल है ना? तो ये मेरे दिमाग का वहम नहीं था, यकीनन उसके पास जादू है। लेकिन ये है कौन? हे भगवान, मुझे दूसरे जादुई प्राणियों के बारे में कुछ किताबें पढ़नी होंगी। अरे किताबें कहाँ हैं? माँ क्या तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रही हो? दो ये लो।
नहीं गुएन, तुम क्या कर रही हो? रुको, एक बात समझ लो, मुझे परेशान मत करना। नहीं रुक जाओ, अगर तुम अच्छा बर्ताव नहीं कर सकती हो तो तुम्हें चश्मा पहनना पड़ेगा। नहीं गुएन, शांत हो जाओ गुएन, नहीं। मैं बता रही हूँ ना कि शहर में हमारे अलावा कोई दूसरा गॉर्गन नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो है यहाँ। ये पढ़ो मूर्ख। मुझे मूर्ख बोलने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इसी के लायक हो, मेरे सांप तुम्हें बर्बाद कर देंगे। मैं तुम्हारे सांपों को एक्सपेरिमेंट के लिए भेजूंगी बेवकूफ। रुको, बहुत झगड़ते हो तुम लोग, बंद करो ये सब। अपने झगड़ों से बहुत परेशान करते हो, हम लोग बहने हैं। एलिस ने ही पहले शुरू किया था। अगली बार मेरे सांप तुम्हारे सांपों को डसेंगे। जब तुम लोग लड़ रहे थे मुझे कुछ मिला यहाँ, देखो। एक साल पहले क्रेजी घर में एक तेज तूफान आया था और कई लोग घायल हो गए थे। तो क्या इसने कई जगह को बर्बाद किया जहाँ गॉर्गन रहते थे, देखो। अब और कोई गॉर्गन नहीं है। आगे पढ़ो, देखो ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इस एरिया में कई बच्चे अनाथ हो गए थे। इसका मतलब कई गॉर्गनों के बच्चे अनाथालयों में बिखरे हुए हैं या किसी परिवार में। हर बच्चे को ढूंढ के हमें उन्हें अपने साथ लाना होगा और फिर इस तरह से हमारा वंश बढ़ जाएगा। शानदार, चलो जल्दी चले, पूरा शहर तलाशना होगा। अपने गुस्से पर काबू करना सीखो गुएन। मुझे ऐसे मत खींचो, तुम एक बुरी माँ हो। ठीक है, शांत रहो और अपना चश्मा लगाए रखो। अब अच्छी बच्ची बन जाओ। ठीक है। माँ, क्या मैं उनके साथ खेल सकती हूँ? जरूर, लेकिन चश्मे के साथ और बिल्कुल भी गुस्सा नहीं। सुनो मेरी बात, क्या तुम्हें जलन है कि एक मर्मिड ने मुझे गोद लिया है? नहीं, हम ये नहीं मानते। कितना दिखावा करती है। किताब पढ़ लेती हूँ, गुएन के बारे में पता लगाना होगा। तो सिर पर सांप, जैसे कि गुएन एक नजर से पत्थर बना सकती है। हाँ, क्यों नहीं? गुएन शांत हो जाओ। वापस दे दो। चलो भी ऐसा मत करो, वो उसका खिलौना है। नहीं, ये बच्चे कितनी बुरी तरह से चिल्लाते हैं, इनमें से तो पक्का कोई हमारा नहीं है। तुम इसे वापस नहीं देना चाहती तो मैं इसे खुद ले लूंगी। तो दिलचस्प। नहीं, चश्मा नहीं उतार सकती हो, तुम्हें सूरज से एलर्जी है। कुछ दिलचस्प नहीं है। जाने दो, मैं खेलना चाहती हूँ। चलो यहाँ से निकलें जल्दी। चश्मे की वजह से एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि वो गॉर्गन है। उप्स, ये क्या है? अरे वाह, गॉर्गन्स के बारे में एक सेक्शन। वो लड़की आखिरकार गॉर्गन हो सकती है। तो फिर चलो हम उस बच्चे को ढूंढते हैं, हम उसे मिस नहीं कर सकते। तुमने गड़बड़ क्यों करी? तुमने वादा किया था ना। मैं तंग आ गई हूँ, मुझे दूसरी माँ चाहिए। नहीं 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 नहीं, इसे वापस रखो, हिम्मत मत करना। तुमने लड़की को पत्थर बनाने की कोशिश क्यों करी? मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम पागल हो। हाँ तुम पागल हो। तुम बात नहीं मानती हो। मुझे मेरे जैसी माँ चाहिए, मरमेंट नहीं। तुम्हें क्या हो गया है? तुम बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने पास जाना चाहती हूँ। अरे मैंने किताब पूरी नहीं पढ़ी, क्या हो रहा है?
इसे चालू करो। हे भगवान, मैं अपनी किताब बेंच पर ही भूलकर आ गई हूँ। मैं तुम्हें सूखने नहीं दूंगी। ग्वेन, चालू करो इसे, मुझे जाना है। किताब लेने चाहती हूँ। बुरा है। अरे, मेरी किताब गायब है। इसे ढूंढ रही हो? तुम लोग कौन हो? हम वही हैं जिनके बारे में इस किताब में लिखा है। तुम्हें हमारा बच्चा मिला है, हम उसे वापस लेने आए हैं। तुम्हारा बच्चा? क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी बेटी हमारी तरह एक गॉर्गन है, उसे हमारे हवाले कर दो। वो हमारे वंश की ही गॉर्गन है। गॉर्गन्स? मैंने इसे कैसे नहीं देखा? ये लोग मेरे दुश्मन है। मैंने इसे गोद लिया है, वो मेरी है। कुछ अजीब सी स्मेल है, इसमें से तो मछली की बदबू आ रही है। क्या तुम मरमेड हो? नहीं, तुमने ऐसा क्या सोचा? हम पता लगा लेंगे। मुझे तो ये पता ही था। हमारी बेटी को एक मरमेड ने गोद ले लिया, कितना शर्मनाक है। अरे, ये क्या कर डाला? नहीं, रुको रुको, मेरे पास बेहतर आइडिया है। उसके घर जाके उस लड़की को ले जाते हैं। शानदार आइडिया बहन। फिर मिलते हैं मछली, हम सभी मर्मेड्स को ढूंढकर उनको मिटा देंगे। ये भयानक है, मेरी बेचारी ग्वेन घर पर अकेली है। उसे बचाने के लिए मुझे अपने मर्मेड साथियों को बुलाना होगा। हेलो बेटी, जल्दी से मेरे घर आ जाओ। क्या हम सही जगह पर हैं? हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें यहाँ पे मछली की बदबू नहीं आ रही है? ये बहुत बकवास है, हमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? बच्ची को घर से बाहर निकालना होगा। हम ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे हम खिलौने बेच रहे हैं। हेलो, क्या कोई घर के अंदर है? कौन है? खिलौने बेचने वाले हैं। दरवाजा खोलो। वो चुप क्यों हो गई? छोटी बच्ची, दरवाजा खोलो। सही कह रही हो गॉर्गन। मरमेड, तुम यहाँ हमसे पहले कैसे आ गई? तुम्हें ग्वेन नहीं मिलेगी, समझ गए तुम लोग? ठीक है, फिर हम तुम्हें बताते हैं। अब पता चले कि तुम्हें हमारी पावर। गाना गाएं। मेरी माँ कहाँ है? सब ठीक है, माँ जल्दी आ जाएगी। आओ अभी खेलते हैं। आज तो मरमेड से बच ही गए। वो इसके लिए बहुत पछताएंगी, घिनौनी मछलियाँ। अगला कदम क्या है? बच्चा कैसे मिलेगा? अगर हम मरमेड पे मुकदमा कर दें तो क्या? देखो, एक मरमेड अदालत होती है, और अगर उन्हें पता चला कि उन्होंने गॉर्गन को गोद लिया है तो वो उससे वो बच्चा छीन लेंगे। शानदार, चलो एक मरमेड होने का नाटक करके उन्हें एक शिकायत भरा पत्र लिखते हैं। चलो लिखो। गुड डे, मैं एक बेवकूफ मरमेड हूँ और मैं एक बयान देना चाहती हूँ। आगे क्या? क्या वे एक दूसरे को बेवकूफ बोल सकते हैं? किसे परवाह है, वैसे भी ये सची तो है। ठीक है, लिखो। एक टीना नाम की मेरी दुष्ट मरमेड पड़ोसी ने एक गॉर्गन खूबसूरत लड़की को गोद लिया हुआ है। ये तो बकवास है, वे हमें खूबसूरत क्यों कहेंगे? अरे आराम करो तुम। और क्या लिख सकते हैं? कुछ करो, क्योंकि हम जैसे भयानक प्राणी एक सुंदर बच्चे के लायक नहीं है, है ना? हाँ।
परफेक्ट। चलो अब इसे पोस्ट कर देते हैं। हम ये कैसे करेंगे? तुम्हें ये भी नहीं पता है कि मर्मेड मेल कैसे काम करता है? बहुत आसान है। तुम तो कमाल हो। अब हम अपने प्लान को पूरा होने का इंतजार करेंगे। चलो मैं घर पहुँच ही गई। उम्मीद है लड़कियाँ सही होंगी और मेरी ग्वेन भी ठीक होगी। नहीं, ये क्या है? मेरे लिए लेटर? गुड डे टीना, हमें जानकारी मिली है कि तुमने संख्या नंबर 533 का उल्लंघन किया है और घर पर तुमने गोरगोन को रखा है। हम तुम्हें बयान देने के लिए अभी के अभी अदालत में बुला रहे हैं। थक तेरे की, उन्हें कैसे पता चला? टीना, हमने राक्षसों को भगा दिया, ग्वेन सुरक्षित है। ये क्या है? टीना, तुम ठीक हो? नहीं, उन्होंने मुझे मरमेड अदालत में बुलाया है। क्या? माँ, क्या हुआ? इसे पहनो, सुनवाई के लिए जा रहे हैं। हमें बताओ कि क्या हुआ है। उन्हें पता चल गया कि मैंने ग्वेन को गोद लिया, अब मुझ पर मुकदमा चलेगा। ओह, क्या वो उसे तुमसे छीन लेंगे? मैं ये नहीं चाहती। स्वीटी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मत उतारना और गुस्सा मत करना, वरना हमें अलग होना होगा। माँ, क्या चल रहा है? तुम्हारी बेटी कहीं नहीं जाएगी। ग्वेन चश्मे पहनेगी और हम झूठ बोलेंगे कि वो गॉर्गन नहीं है। अदालत में अच्छी लड़की बनना, बस चुपचाप खड़े रहना, ठीक है? चलो अब चले जल्दी। ए, तुम मुझे कहाँ घसीट रही हो? अदालत की कार्रवाई शुरू करो। ओह, घिनौना। एक गोरगोन को गोद लिया, कितना भयानक और शर्मनाक है। सभी लोग बैठ जाओ। आज सुबह हमें मरमेड के क्षेत्र के आसपास के सीवर से एक गुमनाम शिकायत मिली है। ये पक्का गोरगोन्स नहीं किया होगा, मुझे उनसे नफरत है। टीना नाम की एक मरमेड ने गोद लिया है गोरगोन को। मुझे आपत्ति है। अब तुम कौन हो? आरोपी की एक गवाह। लड़की बिल्कुल भी ग्वेन नहीं है, आप अपनी आँखों से खुद देख लो। ये चश्मा क्यों पहनकर बैठी है? नहीं, वो तो अंधी है। ओह, भयानक, सच में भयानक है ये। कितना बुरा आदमी है, माँ मुझे बचाओ। झूठी कहीं की लड़की अंधी नहीं है। तुम बहुत मतलबी और बुरे हो। नहीं ग्वेन, रुको। अरे ये क्या कर डाला? माँ सॉरी। हद है, मेरा शरीर अभी भी पत्थर है। तुमने झूठ बोला, तुम्हारी बेटी एक गोरगोन है, तो फैसला जल्दी करो। ये दोषी है। मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारी जैसे ही प्राणियों के पास। खत्म हो गया ये तो। तुम्हें 3 महीने की कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जाती है, समझी? नहीं, किस तरह की सर्विस? मॉल में एक्वेरियम की सफाई। कार्रवाई खत्म, शुक्रिया। कार्रवाई यहीं खत्म होती है, शुक्रिया। ग्वेन को मत ले जाओ, रुको। जाओ, चलो। तुम अपने नए परिवार से बहुत प्यार करोगी, वो तुम्हारे जैसे ही होंगे। और वो सब पत्थर में बदलने के लिए मुझ पर चिल्लाएंगे नहीं? बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारे साथ ही ऐसा करेंगे। रुको प्लीज, ग्वेन को मत ले जाओ। नियम तो लेकिन नियम होता है ना, वो हमारी दुश्मन है। ग्वेन, क्या तुम इनके साथ रहोगी? चलो हमें बताओ। नहीं, मैं अब चाहती हूँ ऐसा होने के लिए कोई मुझे अब डांटे नहीं है। ये हुई ना बात, चलो कार में चढ़ो। नहीं, मेरी ग्वेन, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। आराम से, सब ठीक हो जाएगा। Yeah.
गुड डे, गॉर्गन का बच्चा हमारे पास है और हम उसे आपको दे रहे हैं। अरे यकीन नहीं होता, आखिरकार न्याय मिल ही गया। गुड बाय स्वीटी, तुम आखिर हमारे कबीले में वापस आ गई। तुम लोग बहुत सुंदर हो, क्या तुम लोग सामान को पत्थर में बदलने पर मुझ पर चिल्लाओगी? बिल्कुल नहीं, आओ लो ये प्लेट लो और इसे खाओ। देखो तुम हम में से एक हो, अब तुम एक गॉर्गन हो और तुम्हें खूबसूरत होना पड़ेगा। वाह कितना शानदार है, मैं अब तुम लोगों के जैसी हूँ। और चेंज कर लो, तुम्हें स्टाइलिश होना चाहिए। यह बहुत अच्छा लग रहा है। ये कितने प्यारे हैं। जब इनका पेट खुजलाते हैं तो सांपों को बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग बहुत सुंदर हो और वो सब पत्थर में बदलने के लिए मुझ पर चिल्लाएंगे नहीं, मैं अब तुम लोगों के जैसी हूँ। अरे हम तुमको कभी नहीं जाने देंगे। मैं क्वीन के बिना नहीं रह सकती, मैं उसे इतना जोड़ गई हूँ। कठिन समय, हम मरमेड्स होकर मॉर्गन के साथ नहीं रह सकते। और उन्हें अपनाने की बात तो दूर है। मुझे परवाह नहीं है, मैं उसे प्यार करती हूँ। उसका इधर उधर घूमना मुझे बहुत याद आता है। एक बात समझ लो, मुझे परेशान मत करना। नहीं ऐसा मत करो। नहीं बहुत हुआ, मैं उसे वापस लाऊंगी। आखिरकार मैं सूख गई। तुम लोग मेरे साथ हो? ये मरमेड के नियमों के खिलाफ है, हम जेल तक जा सकते हैं। लेकिन तुम मेरी दोस्त हो, मैं करूंगी। मैं भी। तुम ग्वेन के साथ बहुत खुश थी, मुझे जेल हो सकती है लेकिन मैं जो भी करना होगा करूंगी। शुक्रिया लड़कियों, क्योंकि गॉर्गन बुरे होते हैं, मुझे यकीन है वो ग्वेन को भड़काएंगे। लव यू टू। इसे बंद करो, तुम्हें अच्छी लड़की बनना होगा। क्या है ये, इतना गुस्सा क्यों? मुझे मजे करने दो। देखो गॉर्गन जादुई दुनिया के टॉप पर है और तुम बेवकूफों की तरह बर्ताव करती हो। तुमको शांत रहना सीखना पड़ेगा। तुम जादू का यूज बिना सोचे समझे नहीं कर सकती। समझ गई? आउच, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी शरारती होने की सजा है कि अब तुम सांपों की खाल साफ करोगी और वो भी अपने टूथब्रश से। मैं नहीं करूंगी। लेकिन क्यों? मुझे मरमेड माँ चाहिए, उसने मुझे कभी सजा नहीं दी, हमेशा खेलती थी मेरे साथ। जल्दी करो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? शायद हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। अगर वो घबरा गई और हमसे दूर भाग गई तो फिर क्या करेंगे? लगता है हमें उसके साथ अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा। ठीक है सांपों को छोड़ दो, हम तुम्हें मजे करने मॉल ले चलेंगे ताकि तुम रो मत। शायद मुझे टीना मिल जाए। मैं अपनी गलती पर बहुत पछता रही हूँ, उम्मीद है वो ग्वेन को जल्दी ढूंढ लेंगे। मुझे जाने दो। ग्वेन, ग्वेन ये तो वही है। हमने तुमसे कहा था गड़बड़ मत करना, तुमने पूरी दुकान को पत्थर में बदल दिया। इसको ध्यान से पकड़े रहना। बहुत हो गया, मैं खेलना चाहती हूँ। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम हमारा सीक्रेट पूरे स्टोर को बताना चाहती हो? मम्मा! रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे तुम्हारी याद आती है, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। और मुझे तुम्हारी याद आई स्वीटी, मैं तुम्हें जल्दी ले जाऊंगी, वादा है। कितनी बुरी लड़की है ये, अभी मेरे पास थी। सिक्योरिटी! क्या हुआ? तुम्हारी मर्मेड ने हमारी लड़की को परेशान किया, उसे ले जाओ यहाँ से। ओए। नहीं, मुझे जाने दो। नहीं, रुक जाओ, हम एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। मुझे तुम्हारी याद आएगी। चलो यहाँ से निकलते हैं।
मरमेड, तुम एक्वेरियम की सफाई क्यों नहीं कर रही? शायद हमें तुम्हें और काम देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास बेवकूफी करने का बहुत ज्यादा समय है। लो साफ करो इसे। मेरी बेचारी लड़की। ये सही है, मदद के लिए दोस्तों को बुलाना होगा। लड़कियों मदद। बहुत ही भयानक बर्ताव किया तुमने, पता नहीं तुम सही बर्ताव करना कब सीखोगी। मुझे टीना के पास भेजो। चुप रहो, हम तुम्हें मैनेज सिखाएंगे। इस लड़की को दे दो ये। मामेट्स, तुम यहाँ पर कैसे आई? हम ग्वेन को बचा रहे हैं, वो हमारी दोस्त की बेटी है। नहीं, वो हम में से एक है। हम इनसे लड़ेंगे। ग्वेन दूर हट जाओ। उन्हें पत्थर में बदल देना। प्लीज लड़ो मत। कितनी डरपोक है, मैं उन्हें बदल नहीं सकती। बहुत हो गई लड़ाई। तुम ठीक हो? ग्वेन खुद चुनेगी वो किसके साथ रहना चाहती है। कम ऑन, हमें बताओ। मुझे नहीं पता। तुम मेरे जैसे हो और मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं माँ के साथ रहना चाहती हूँ। माँ चलो चले। अरे नहीं, वो तो दूर जा रही है। शायद हमें मोमेंट्स को एक सबक सिखाना चाहिए। हाँ? हाँ? वे भाग गए, कहाँ है वो? अरे नहीं, वो तो भाग गए। चलो अलग होकर बच्ची को ढूंढ कर लाते हैं। अरे हम उन शैतानों से कहाँ छुपे? माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी करती हूँ। वो हमारा पीछा कर सकते हैं ना? हाँ। अरे नहीं, ये हम हैं। हम मदद करने आई हैं। वहीं रुक जाओ मरमेड पुलिस। हद है, वो हमारे पीछे है। हमारे पास तैरो, फिर हमारे पीछे हमारे घर तक आओ और वहीं रहो। हाँ ग्वेन, तैयार हो? मुझे तैरना नहीं आता। भरोसा करो, चलो। उम्मीद है वो ठीक हो। हम पकड़े जाएंगे। नहीं, चिंता मत करो, तुम कहीं नहीं जाओगी। अब तुम लोग हार मान लो, हमने तुम्हें घेर लिया है। ओह सॉरी, मैं आपको तंग कर रही थी, पर आप अब तक की सबसे अच्छी माँ हो, भले ही आप छोटी हो। शुक्रिया, तुम भी सबसे अच्छी बेटी हो। तूफान आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ से भागेंगे, तुम तैयार हो? हम कैसे भागेंगे, हम बाथरूम में हैं। ये रहा एक और मरमेड सीक्रेट, जरा खड़ी रहो। क्या, हम क्या कर रहे हैं? सरेंडर। क्या वो गायब हो गई? ये कैसे हो सकता है? हेलो सभी को। तो आज का हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आप बताइए, आपने पूरा देखा या नहीं देखा? आज के एपिसोड में था मरमेड, गॉर्गोंस और सब जो आप पसंद करते हैं। मुझे लगता है आप इसे पसंद करेंगे। हम मरमेड के दीवाने हैं और मुझे लगता है आप भी हैं। हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों अब हमारी पूछे देखो। वो और इस पूछ को देखो, बेस्ट है। हाँ लेकिन ये फालतू नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक मजेदार ब्लॉग चैलेंज है। हम इन पूछो में हूप्स घुमाने की कोशिश करेंगे। ये रहे, वैसे ये काफी मुश्किल है, क्योंकि हम उन्हें नॉर्मली घुमा नहीं सकते। ये बहुत मुश्किल है। हमें लगता है स्केल्स हमारी मदद करेंगे। दो लोग साथ में, दो लोग चाहिए हमें। पहले कौन आएगा? तुम ना भाई, मैं पहले नहीं आऊंगा। टीना तैयार है, तुम्हारी बारी बेटी। ठीक है ठीक है। तो होप्स को गिराने वाला पहला इंसान कौन होगा? लूजर। लूजर कहेंगे और हम रखेंगे एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड और बस खत्म कर देंगे, इतना बहुत है। और जीतने वाले को मिलेगी सुशी और हारने वाला पैसे देगा। ठीक है, हम तैयार है, चलो शुरू करें। ठीक है, 3 2 1 गो।
मेरे बाल उलझ गए थे। तुम सिर्फ दो सेकंड कैसे टिक गई? तुम शुशी से एक कदम दूर हो चुकी हो। ठीक है मैं हार गई और अब अगली जोड़ी शुरू करो। तो ठीक है चलो करते हैं। 3, 2, 1 चलो करते हैं। और जीत गई। ये काफी करीबी मामला था। असल में नहीं। सच में? तो ठीक है दोस्तों, टाइलर और मैं हार गए और आखिरी राउंड में एरियल और बेटी है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आ चुका है हमारा तीसरा राउंड जिसमें हमें हमारा विनर मिल जाएगा, और मुझे तो लगता है कि हम टीना के साथ सुशी खरीदने जाएंगे। हाँ, तो क्या तुम तैयार हो? ये बहुत मुश्किल होने वाला है। 3, 2, 1 गो। कह सकते हो, तुम हमारे साथ भी शेयर करोगी ना? शेयर करोगी ना? मेरा पेट बिल्कुल भरा, इसलिए ठीक है। बेशक मैं शेयर करूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमारे जाने का समय आ गया है, हम जा रहे हैं सुशी खाने। लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, सब कुछ कर देना। तो हम चलते हैं और बढ़ते हैं ब्लू पास में। चश्मा तो मुझे मार देगा। प्लीज पकड़ो इसे। चलो ये करते हैं। मैं तैयार हूँ। ये पागल है दोस्तों। मेरी आंखों में खुजली हो रही है, पता नहीं क्या हुआ। प्लीज मेरी मदद करो। इस मिरर को देखो। हाँ। गाना गाएं।